Chris.com. रिश्ते तब भी थे, रिश्ते अब भी हैं। तब वो गर्मियों की छुट्टियों में ढेर सारे मेहमानों का आना, छत पर बिस्तर लगाना और एक तकिए पे दो दो सिर रखकर सबका चैन से सो जाना। अब दो लोगों के आने की खबर सुनकर सबका रूटीन डिस्टर्ब हो जाना, कौन कैसे कहां एडजस्ट करेगा उस पर चर्चा होना। रिश्ते तब भी थे, रिश्ते अब भी हैं। तब वो चाची काकी बुआ मौसी का पूरे हक से हमें डांटना और बच्चों का बड़ों की डांट नीची नजर झुका करके स्वीकार करना। अब वो हमारी इंसल्ट क्यों करते हैं, उन्होंने हमें ऐसे क्यों कहा। ईगो एटीट्यूड और तेवर दिखा करके बच्चों का बड़ों से नाराज हो जाना। रिश्ते तब भी थे, रिश्ते अब भी हैं। तब हर शादी या सगाई में नंदोई या जमाई का रूठना साहब फिक्स ही होता था। हर शादी या सगाई में नंदोई या जमाई का रूठना, लेकिन सबका एक साथ मिलकर के उन्हें मनाना, रोना मुस्कुराना गले लगना और फिर से सबका एक हो जाना। अब जो हमसे रूठा उससे हमारा रिश्ता टूटा, ईगो एटीट्यूड और तेवर दिखा करके एक दूसरे से नाराज हो जाना। रिश्ते तब भी थे, रिश्ते अब भी हैं। तब तीज त्योहार पर सज संवर कर सबका एक दूसरे के घर जाना, गुजिया मिठाई खाना, गले लगना और खुलकर त्योहार मनाना। अब मोबाइल पर आए हुए फॉरवर्ड्स को दोस्तों ओरिजिनल मैसेजेस भी नहीं होते हैं, मोबाइल पर आए हुए फॉरवर्ड्स को फॉरवर्ड करना और एक बंद कमरे में बैठकर मैंने 500 लोगों को हैप्पी दिवाली विश कर दिया यह सोच के संतुष्ट हो जाना। रिश्ते तब भी थे, रिश्ते अब भी हैं। तब एक छोटे से मकान को ढेर सारे लोगों का घर बना करके रहना, ढेर सारी रोटियां बनाना, झगड़ना लड़ना आंसू बहाना, मुस्कुराकर गले लगना और एक हो जाना। अब फुल इंटीरियर वाले मकान में 4 प्रतिष्ठित लोग और 2 जेनरेशन की मौजूदगी का होना, लड़ना फिर उस पर जिक्र करना, फिर उस जिक्र को आगे बढ़ाना और 2 जेनरेशन के मौजूदगी के एहसास को और बढ़ाना और फिर से कौन कहां कैसे एडजस्ट करेगा उस पर चर्चा होना। दोस्तों रिश्ते तब भी थे, रिश्ते अब भी हैं। तब हम रिश्तों को जीते थे, वी यूज टू लिव दोज रिलेशंस। आज हम रिश्ते निभाते हैं, चुनाव हमारा, चॉइस हमारी, हमें रिश्तों को जीना है या हमें इन रिश्तों को निभाना है। Thank you.